ને મેં તો દેખાયા બાદ એના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે વાત કરી હતી. એમએનએમના મેનેજમેન્ટમાંથી આપણી સાથે એમએનએમના ગ્રુપ સીએફઓ મનોજ પાઠ ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે. મનોજજી, સ્વાગત હે સર સીએનબીસી બજાર મેં. સર, સબસે પહેલે તો યહાં પે યે સમજના ચાહેંગે કે જો ડિમાન્ડ કન્ડિશન કા આપ સિનારિયો દેખ રહે હૈ, કિસ તરહ સે આઉટલુક આપ યહાં પે એન્ટિસિપેટ કરકે ચલ રહે હો, ઓર સેગમેન્ટ વાઇઝ અગર હમ દેખે તો પેસેન્જર કાર ઓર જો ટ્રેક્ટર હૈ વહાં પે હમને કિસ તરહ કે વોલ્યુમ મેં રિકવરી આતી હુઈ દિખી હૈ. पहले तो विक्रम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो. तो अगर हम देखें तो पहले मैं पैसेंजर व्हीकल की बात करता हूँ कि अगर जो डिमांड साइकिल हम देख रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत स्ट्रांग है. आज के डेट में हमारे एसयूवी सेगमेंट में 170,000 प्लस ओपन बुकिंग्स है जो हम फुलफिल कर रहे हैं, और जस्ट एक्सयूवी 7XL देख लो उसमें 78,000 प्लस ओपन बुकिंग्स है. सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड देख रहे हैं उस सेगमेंट में, और वो डिमांड साइकिल जो है अभी जो वेट पीरियड है उसके बावजूद हमारा जो जैसे एक्सयूवी 700 का एग्जाम्पल ले लूँ तो उसी में 9,500 महीने का बुकिंग हो रहा है. सो डिमांड साइकिल सीम्स टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. कमिंग टू ट्रैक्टर्स, अगर आप देखें तो ट्रैक्टर्स में F21 जो था बहुत स्ट्रॉन्ग ईयर था, 27% वॉल्यूम ग्रोथ देखा था हमने. F22 थोड़ा एडजस्ट हुआ था बिकॉज ऑफ सर्टन स्लो डाउन इन द रूरल एरियाज, बट दैट वॉज इन क्वार्टर फोर. उसके बाद जो हम अप्रैल में देख रहे हैं अगेन रिकवरी बिकॉज इट्स बीइंग हेल्प्ड बाय जो फूड ग्रेन प्राइसेस, जो फार्म प्राइसेस है उससे सेंटिमेंट काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है. सो जो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ट्रैक्टर डिमांड पे भी पॉजिटिव सेंटिमेंट आ रहा है. तो इस तरीके से देखें तो ट्रैक्टर जो मार्केट है हम सोच रहे हैं कि इस साल भी ग्रोथ होगी, मे बी सिंगल डिजिट्स होगी, और उसमें हम मार्केट शेयर जो है हमारा अभी 40% मार्केट शेयर है, तो उसको हम देखेंगे कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो दैट्स द वे आई वुड लुक एट द मार्केट. सर, सबसे पहले तो ये आगे मैं ये समझना चाहूँगा कि पैसेंजर कार सेगमेंट में अगर हम देखें तो एक्सयूवी 700 जिस तरह से एक बेहतरीन डिमांड होती हुई दिखी थी, तो यहाँ पे किस तरह का अभी प्रोडक्शन सिनारियो है, सेमीकंडक्टर चिप्स को लेके क्या सिचुएशन है, क्या यहाँ पे अब सिचुएशन सब नॉर्मलाइज होती हुई दिख रही है? जो सेमीकंडक्टर सिचुएशन थी अगर लास्ट ईयर देखिए आप, तो पहले हाफ में और ऑलमोस्ट टिल नवंबर दिसंबर बिकॉज ऑफ कोविड काफ़ी डिसरप्शन हुआ था, एंड जब पूरी फैक्ट्री शटडाउन हुई थी तो उसके वजह से जो डिसरप्शन था वो इम्प्रूव हुआ है. अभी भी शॉर्टफॉल है बट इट इज़ मच लोअर देन जो तब था. तो अगर हम देख रहे हैं अभी जो सिचुएशन है तो इट इज़ मच बेटर देन जहाँ पर हम थे, पर ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन में अभी भी डिसरप्शंस है तो फुल कैपेसिटी कब आएगी वो मुश्किल है बोलना. बट अभी जो आप देख रहे हैं मार्च और जो अप्रैल नंबर्स हमने डिस्क्लोज़ किए थे ऑन द पैसेंजर व्हीकल साइड, वो जो है वो अब सस्टेनेबल लग रही है नियर टर्म में, पर ये सब चीज़ें काफ़ी ग्लोबल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. तो इसलिए हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं कि कैसे सिचुएशन बदलती है. तो वो समरी में ये है कि जो पहले वाली सिचुएशन थी उससे काफ़ी बेटर है, फुल कैपेसिटी पे नहीं है सेमीकंडक्टर सप्लाई अभी भी. सर, एक और चीज़ यहाँ पे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा है कि कमोडिटी प्राइसेस में बढ़ोतरी आती हुई दिखी है, उसके बाद हमने ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो आपकी कंपनी ने और बाकी काफ़ी सारे ऑटो कंपनीज ने अपने प्राइस हाइक किए हैं. अभी फिलहाल सिनारियो ये है कि जो कमोडिटी प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही थी वो अटक चुकी है, और कई कई जगहों पर तो हमने प्राइसेस डिक्लाइन भी होती हुई दिख रहे हैं. तो ये इम्पैक्ट अभी आप कैसे देख रहे हैं, और आगे जाके इसके चलते हुए मार्जिन के ऊपर आउटलुक किस तरह से बिल्टअप होगा? तो अगर आप देखिए तो मार्जिन पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ है वो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज का हुआ है. अगर हम जाते हैं जैन फेब में, तभी जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि कमोडिटी प्राइस थोड़ी सॉफ्टन हो जाएगी, फिर आपको पता है कि जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके वजह से कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी शूटअप हुई थी अप्रैल तक. मई में थोड़ा कूल डाउन हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट अगर आप जो बोल रहे थे, आपने पॉइंट बोला था अबाउट प्राइस हाइक्स, हमने मेजर्ड प्राइस हाइक्स लिए हैं बिकॉज हम कस्टमर को पूरा पास ऑन नहीं करना चाहते.
तो पर अगर ये सिचुएशन कंटिन्यूड रही कि कमोडिटी प्राइसेस इतने हाई रहे तो और प्राइस हाइक्स होंगी मार्केट में. हमने भी अप्रैल में प्राइस हाइक्स लिए, बहुत ऑटो और ट्रैक्टर दोनों के प्राइसेस बढ़ाए हैं, बिकॉज जो प्रेशर है वो एकदम बेसिक लेवल कमोडिटीज से आ रही है और वहाँ से फिर मार्जिन अगर मेंटेन करना है तो ये प्राइस हाइक्स माइट बी द सॉल्यूशन. पर ये जो सिचुएशन है, अगेन लाइक मोस्ट थिंग्स डजंट टेक टू लॉन्ग टू चेंज, तो वो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा. अभी जो हमने बोला था कि ओवर अ मीडियम टर्म हम सोच रहे हैं कि ऑटो बिजनेस में 300 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन टारगेट कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट. अब वो शिफ्ट होगा नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट एटलीस्ट मीडियम टर्म में दैट वुड बी द गोल. उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी प्राइसेस प्रॉबेबली कूलिंग एज वेल एज प्राइस हाइक्स एज वेल एज वैल्यू इंजीनियरिंग, तीनों से हम ये ट्राई करेंगे.